law of chemical combination का ये second law है. This law is called law of constant proportion और इसी को हम लोग बोलते हैं law of definite proportion. ये law जानना जरूरी है. Basically आपके जो CBSE के exams होते हैं उन exams में इस law को direct state करने के लिए बोलता है with example. तो इस law के हिसाब से ध्यान दें कि all the pure sample of same compound contains the same element combined in same proportion by mass. इस चीज को क्या एनालाइज करना जरूरी और एनालाइज करना इस चीज को बहुत जरूरी. आप वाटर को कहीं से भी लें, वाटर कभी भी बने, चाहे आप रिवर वाटर लें, सी वाटर लें, टैप वाटर लें, या फिर चंद्रमा का पानी ले आए, मंगल ग्रह का पानी ले आए, ठीक, ये स्टेटमेंट उसके अंदर सेटिस्फाइड होना जरूरी है. जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर की हम लोग बात करें H2O. H2O के लिए यदि हम लोग बात करें तो यहां देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में. तो हम लोग यहां बोलेंगे इन वाटर, इसको समझें फिर आप ये स्टेटमेंट अपने आप समझ जाएंगे. इन वाटर H2O, वाटर मीन्स H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मोलर रेशियो. अब द मोलर रेशियो remains constant. Whether it is tap water, नल का पानी हो, tap water, सी वाटर की हम लोग सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट मिला हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. सी वाटर और रिवर वाटर प्रोड्यूस्ड बाई
chemical reaction produced by chemical reaction. बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे स्टेटमेंट जो आपको ध्यान देना जरूरी है. वैसे आप देखो कि यहाँ पर हम बात करें कि हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मोलर रेशियो में और ऑक्सीजन के में 1 है. यदि हम लोग वेट की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 के लिए 2 ग्राम हो गया, 2:8 ये आपका बेसिकली चल रहा है. दिस इज द बाई वेट, जबकि ये वाला जो है दिस इज द बाई वॉल्यूम. ये कैसा चल रहा है? बाई वॉल्यूम. दिस लॉ इज गिवन बाई एक साइंटिस्ट होते थे बहुत पहले, उन्होंने दिया इट इज प्रॉस्ट. सेकेंड पॉइंट को आप समझें, ऑल केमिकल कंपाउंड compound are found to have constant composition, या fixed बोलते constant composition it is irrespective of their method of preparation आप किसी भी तरीके से इसको बनाएं तो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन रहेगा वहां पर, इट इज इरिस्पेक्टिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो CO2 का फॉर्मेशन जैसे हो रहा है तो कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स CO2 इसी टाइप से यदि हम लोग CH4 गैस का कंबशन कर रहे हैं, जब कंबशन कर देंगे इट फॉर्म्स CO2 प्लस H2O. बैलेंस नहीं कर रहे हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. तो फाइनली बना क्या CO2, जैसे भी बना हमारे पास जो फॉर्मेशन होके आ रहा है, दिस फॉर्मेशन इज CO2. CO2 के अंदर यदि हम लोग बात करें कार्बन की, कार्बन ऑक्सीजन इट इज 1:2 मोलर रेशियो, जिसको हम लोग कभी कभी बाई वॉल्यूम रेशियो भी बोल देंगे. लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे बाय मास देख सकते हो आप कि कार्बन तो 12 हो गया, 12:1, एक ऑक्सीजन कितना 16, तो 2 आपका 32, 2 आपका कितना हो गया दैट इज द 32. यहां पर एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, दैट लिमिटेशन इज फॉर आइसोटोप्स. फॉर एग्जांपल हमने CO2 लिया तो CO2 के अंदर एक में कार्बन 12 था और O2, दूसरे के अंदर कार्बन 14 और O2. यहां इसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप सोच सकते हो यहां पर बाई वॉल्यूम रेशियो तो सेम है लेकिन
by weight जिसको हम composition की बात कर रहे हैं वो आपका change हो जाएगा. हम फिर से यहां पर बात करते हैं इसकी. देखें आपकी all sample, all the pure sample, जितने भी pure sample है इसका मतलब इसके अंदर कोई impurity नहीं है, इसके अंदर कोई भी impurity नहीं है. Of the same compound, of the same compound, कोई भी same compound हो गया, contains the same element, दोनों के अंदर elements क्या है, same है, combined in same proportion by mass. By mass वहां पर same proportion में होगा. Irrespective कि आप उसका preparation किस method से कर रहे हैं. Example हमने आपको बता दिया water का, कि water कहीं से भी हो, river का हो, sea का हो, चंद्रमा पे हो, take water जैसी बना तो वहां 2:1 या 2:8 का composition रहेगा by weight. कैसे बनाओ वो पता नहीं. This law is given by Prost. और फिर आपसे बोला है कि all the compound are found to have constant composition irrespective of their method of preparation. कैसे भी आप बनाएं, यहां देख सकते हो कि CO2 का formation हुआ, ये CO2 हुआ और ये CO2 हुआ. कैसे भी formation हुआ लेकिन CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, it is 12:32. 12:32. ये हमारा लॉ है. इस पर बेस्ड अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं. ध्यान देना, इन क्वेश्चन से पहले हम लोग एक एग्जांपल ये लेते हैं, उसको आप समझें थोड़ा एग्जांपल को. क्वेश्चन बोल रहा है CO2 can be prepared. जो ए पार्ट है, दैट ए पार्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 11 ग्राम ऑफ CO2. 11 ग्राम ऑफ CO2. बी पार्ट जो है दैट इज CH4 ऑन कंबशन O2 के साथ इट गिव्स 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2. यहां हमको बताना है कि CO2 का फॉर्मेशन तो चल रहा है, प्रूव करना है मैथमेटिकली कि यहां पर हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकंड लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं. इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है ए, इसमें हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर हम बोल सकते हैं रिएक्शन चली होगी यहां पर कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2. कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 और CH4 वाली जो रिएक्शन होगी दैट इज CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O.
That is the combustion reaction. अब basically आप देखें कि यहाँ पर CO2 जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, that is one mole. One mole का मतलब हो गया 44 ग्राम. हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 44 ग्राम CO2 has 12 gram of carbon. क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12. तो बेसिकली 11 ग्राम, यहां पर आपसे बोला 11 ग्राम, तो यदि 11 ग्राम की बात करें, 11 ग्राम ऑफ CO2 हैज यूनिटरी मेथड से यह हो गया 12 by 44 into 11. This is equal to 3 ग्राम of carbon. 3 ग्राम of carbon. इसके बाद इसी में हमको देखना है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन आ गया, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 हैविंग 3 by 11 ग्राम ऑफ कार्बन. तो परसेंटेज की जब हम बात करें तो यहां बताएंगे कि 100 में, तो 100 के हिसाब से ये आपका हो जाएगा, दिस इज 300 by 11, दैट इज इक्वल टू 27.27%. इसके बाद दूसरा देखें आप कि वेट ऑफ CO2 की हम बात कर रहे हैं जैसे, तो यहां पर वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम. क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 22 ग्राम ऑफ CO2, 40, अब आप यहां पर बोलेंगे फिर से 44 ग्राम हैविंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो 1 ग्राम ऑफ CO2 has 12 upon 44 gram of carbon. Unity method से, तो 22 gram of CO2 has 12 by 44 into 22, that is 6 ग्राम ऑफ कार्बन. 6 ग्राम ऑफ कार्बन. तो आप यहां पर बोल सकते हो कि 22 ग्राम CO2 हैज 6 ग्राम ऑफ कार्बन. ठीक, तो 100 में कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 6 by 22 into 100, that is 27.27%. तो ये बराबर आ गया. इसका मतलब यहां पर law of constant proportion and law of definite proportion is going to follow. इसके बाद हम इसमें और example करते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग अब फर्दर एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं. ये एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस स्क्रीन को आप पढ़ें. 0.7 ग्राम ऑफ आयरन पाइराइट, दिस इज फ्रॉम आयरन पाइराइट, आयरन
pyrite. Iron pyrite generally iron or sulfur ke combination ka hota hai with 0.4 gram of sulfur to form ferrous sulfide. So pehli line ke corresponding Fe, dekhe aapki Fe combined with sulfur to form FeS, ferrous sulfide. Question में बोला है आपसे कि 0.7 gram. Now see, this one is 0.7 gram. Combines with sulfur, sulfide कितना है 0.4 gram to form FeS. अब बात आती है FeS का इसमें formation हुआ तो ध्यान है आपको कि molecular weight of FeS, iron is how much? 56 and sulfur is 32. So this is coming to be 88. ये हम लोगों ने इसका molar mass add कर लिया. फिर इसी में आप आगे बढ़े. If 2.8 gram of iron, 2.8 gram of iron dissolved in dilute HCl in presence of sodium sulfide, तो Na2S in HCl, Na2S in HCl is added and 4.4 gram of iron sulfide is formed, FeS. यहां भी form हो रहा है. Prove that law of constant composition. कि law of constant composition या definite proportion, इस law के हिसाब से यहां ये experiment true है. तो दूसरे experiment में आपको बोला है this is the 2.8 gram and this is 4.4 gram. Basically this is the experiment 1 and this is experiment 2. So now experiment 1. Experiment 1 के corresponding the ratio of weight of iron and sulfur in first sample, अब आप इसमें ध्यान से देखें कि बेसिकली मास तो कंजर्व होता है. यदि हम लोग बात करें कि Fe और S के बीच में क्या चल रहा है, यहां वेट पहले वाले में वेट नहीं कुछ दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले का एक्सपेरिमेंट में ये 4.4 ग्राम वेट है. तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ Fe रेशियो मास ऑफ सल्फर दिस इज इक्वल टू आयरन इज हाउ मच. आयरन इज 0.7 रेशियो 0.4. तो यहां से आ गया हमारा मास ऑफ आयरन रेशियो मास ऑफ सल्फर इज 7:4. यहां ये 7:4 आ गया. अब इसी में हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे.
the experiment. एक्सपेरिमेंट में दूसरे वाले में यही आ गया तो ये हमारा लॉ करेक्ट हो जाएगा. सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए आप कि 2.8 ना 2.8 ग्राम ऑफ आयरन कंबाइंड विथ देखिए मास हमेशा कंजर्व होता है. कंबाइंड वेट 4.4 माइनस 2.8 ग्राम ऑफ सल्फर. तो यहां से फिर आपका आ गया कि मास ऑफ एफई रेशियो mass of sulfur this is equal to देख सकते हो this is 2.8 ratio 4.4 में से 2.8 minus करें this is 1.6 so this is 7:4. तो बेसिकली ये दोनों रिजल्ट आ रहे हैं. तो आप बोल सकते हो दैट लॉ इज प्रूव्ड. यहां पर हमारा ये लॉ प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरली इसी टाइप का है. 1.375 ग्राम ऑफ क्यूबिक ऑक्साइड was reduced by heating in current of hydrogen and the weight of copper that remains was 1.098 gram. In another experiment, हम लोग एक-एक experiment की बात करते हैं कि experiment 1 में बोला है कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड CO was heated by hydrogen to give copper और ये आपको दे दिया this is 1.098 ग्राम. ये एक्सपेरिमेंट है हमारा पहला. फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में पहले हम एक्सपेरिमेंट वन को कैरी किए थे फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं. तो फर्स्ट केस में एक्सपेरिमेंट वन में कॉपर ऑक्साइड बोला कि इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड कितना लिया वेट ऑफ कॉपर का जो भी ऑक्साइड है वो हमारा क्यूप्रिक क्यूप्रिक ऑक्साइड टेकन इट इज 1.375 ग्राम इतना. तो बोला है कि कॉपर लेफ्ट कितना कॉपर बचा 1.098 ग्राम 1.098 ग्राम कॉपर बचा. तो इसलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट क्योंकि मास तो हमारा कंजर्व रहता ही है तो ऑक्सीजन जो हुई दिस इज 1.375 माइनस 1.098 दिस इज इक्वल टू यह आएगा 0.277 ग्राम. यहां पर ये ऑक्सीजन का परसेंट आ गया. नाउ
percentage of oxygen in CO. This is 0.277 divided by 1.375 into 100. So this value is how much? It is approx 20.14. दूसरे वाले में भी इसके आसपास यदि आ जाए तो फिर ऐसे केस में ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारा प्रूव हो जाएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट वन हो गया. अब दूसरा वाला देखें आप. एक्सपेरिमेंट टू में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में पढ़े आप, वन पॉइंट जस्ट वन पॉइंट 79 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड रिजल्टेंट कॉपर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was 1.476 gram. तो experiment 2 में जो है ये बोला है कि 1 point, इसको समझे आप कि 1.179 ग्राम कॉपर है और इसको ऐड करा आपने HO3 में और यहां बना आपका CuNO3 वोल्टाइज और इसको इग्निशन करके यहां CuO का आपको यहां वेट दे दिया. This is 1.476 gram. अब बहुत सिंपल है इसके अंदर, तो देख सकते हो आप कि copper taking. It is 1.179 gram. Copper oxide formed is how much? 1.476 gram. So oxygen present is 1.476 minus 1.179. इतना oxygen present है, this one is 0.297. तो percentage of oxygen in CO, this is 0.297 divided by जो इसका वेट है 1.476 into 100. This is also nearly equal to 20.12. लगभग बराबर, तो 20 के आसपास ही आ रहा है. तो हमारा ये लॉ हो गया, that is valid, that law is valid. ये हमारा law valid हो गया. तो ये इसकी क्या आप basically दो example हमने और बता दिए. तो या तो हम percentage निकाल के दिखाएं या इस question को जब ये law को आप apply करेंगे
तो वहां साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यूज होगा। यदि उस चीज में हम यदि परसेंटेज सभी के बराबर दिखा दें तो ऐसे केस में हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा।